परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नतमस्तक वंदन। एक सज्जन का प्रश्न है, महाराज श्री संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में क्या विशेषता है, इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धर्म कर्म विशेष विहित शास्त्र मन शुद्ध शुद्धियां सिद्ध पदार्थ बलिदन विधा निर्बाध मार्गीय तत्व त्वं तदिति प्रमा प्रतिरमा भेद प्रमा पूर्णी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्त। गुरु से ही देखें तो जैसे आदिवासी हैं, पहाड़ी लोग हैं, जंगल में रहने वाले हैं, उनके यहाँ परंपरागत धर्म चलता है। उनके पूर्व पुरुष जैसे धर्म का अनुष्ठान करते थे वैसा ही वो देखा देखी करते हैं। और कोई कोई धर्म होते हैं कि समय समय पर आचार्य प्रकट हुए और उन्होंने अपनी एक आचार परंपरा बना ली। वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, कहते तो यही है कि वेदों में जिस धर्म का उल्लेख है उसी का हम निरूपण करते हैं, परंतु भेद बहुत हो जाता है। कुछ ग्रंथ के आधार पर धर्म होते हैं, जैसे उसमें गुरु ग्रंथ साहब ने जो कुछ कहा हुआ है वही धर्म है। मोहम्मद साहब हैं, गीता है, जरथोस्त हैं, उन्होंने जो उपदेश किया उसी को धर्म बताया। इनके पास एक मंत्र होता है, एक ईश्वर होता है और गुरु परंपरा तो एक ही होती है, लेकिन उसमें अवंत अवान्तर भेद होता है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि इसके मूल में वेद और वो वेद परा अपरा दो विद्याओं के रूप में बैठा हुआ है। तो जो लौकिक और पारलौकिक उन्नति का कारण भूत धर्म है उसका वर्णन तो अपरा विद्या के रूप में है और जो परमार्थ सत्य का निरूपण है वैसे संसार के किसी भी धर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्ञान को अपौरुषेय मानते हैं। ज्ञान का निर्माण न तो ईश्वर करता है और न तो जीव करता है, बल्कि ज्ञान से ही ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर है ये बात ज्ञान से ही मालूम पड़ती है और जीव है ये बात भी ज्ञान से ही मालूम पड़ती है। इसलिए ज्ञान किसी जीव और ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। यदि ज्ञान के निर्माता जीव ईश्वर होंगे तो किसी काल में बनाया होगा, किसी देश में बनाया होगा, किसी भाषा में बनाया होगा। तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है, उस स्वयं प्रकाश ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वे सब हिंदू धर्म में स्वीकार किए गए हैं। उनकी उपलब्धि की दृष्टि से ही, उनकी उपलब्धि की दृष्टि से ही उस एक तत्व अद्वैत तत्व उस अपौरुषेय ज्ञान के साक्षात्कार के लिए ही हिंदू धर्म की सारी विधाएं हैं, सारे प्रकार हैं। अब जैसे आपको गौतम मुनि की तरफ
ईश्वर निराकार है, ठीक है, नाम और रूप की उत्पत्ति के पूर्व ईश्वर था, नाम रूप व्याकरवाणी, मैं नाम रूप को प्रकट करूं, ये उसका संकल्प हुआ और तत्पृष्ठवा सदैवानुप्राविद उसने नाम रूप की सृष्टि की और उसमें प्रवेश किया। इसका अर्थ हुआ कि जगत के मूल में एक तत्व है परमेश्वर और सब नाम रूप उसी के प्रकाश हैं, उसी की अभिव्यक्ति हैं। अब चाहे तो कोई पार्थिव लिंग बनाकर ईश्वर की पूजा करे, चाहे गंगा जल में, समुद्र जल में, कलस जल में पूजा करे, चाहे सालक ग्राम शिवलिंग में पूजा करे, और चाहे तो अग्नि में हवन करे, चाहे तो प्राण उपासना करे, और चाहे तो मनोब्रह्म इत्युपासित, विज्ञानम ब्रह्म इत्युपासित, मृत्तिका से लेकर के आत्मय ब्रह्म है सर्वं खल्विदं ब्रह्म पर्यंत उपासना परमेश्वर की होगी, निराकारं च साकारं च निरुक्तं च अनिरुक्तं च। वो निर्वचनीय भी है, अनिर्वचनीय भी है, और धर्म जो है वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई और वो स्वयं निराकार रूप से उससे अलग ही रह गया, तो उनके मत में मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। आर्य समाज का ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, मुसलमान का ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, ईश्वर ईसाई का ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, और हमारे तो मूर्तं च अमूर्तं च, जो कुछ मूर्त अमूर्त है वो सब का सब भगवान का स्वरूप है, इसलिए हम साकार निराकार रूप में तुलसी पीपल बेल वृक्षों के रूप में भी उसकी उपासना कर सकते हैं, नारायण गाय हाथी आदि पशुओं के रूप में उसकी उपासना कर सकते हैं, और हंस आदि पक्षियों के रूप में भी उसकी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर सर्वरूप है। तो दूसरे धर्म जो है वो ईश्वर को जगत का उपादान कारण नहीं मानते हैं, केवल निमित्त कारण मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है। यही से शुरू करते हैं, ये हिंदू धर्म है। इसकी विशेषता ये है कि ये वस्तु की प्रधानता नहीं देता है, अधिकारी की प्रधानता देता है। वस्तुएं जो होती हैं वो जड़ता प्रधान होती हैं, चेतन तो उनमें भी होता है पर वहां सुप्त चेतन होता है, और अधिकारी जो है वो चैतन्य प्रधान होते हैं, इसलिए निर्वेणानाम ज्ञान योगो भागवत का श्लोक है, न्यासिनाम यह कर्म ते स्वनिर्वेण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम न निर्वेणो नातिशक्तो भक्ति योगो से सिद्धिगत। वैराग्य हो मन में और कर्म और कर्म फल में रुचि न हो तो तत्व ज्ञान के मार्ग से चलना चाहिए, वो विरक्तों के लिए है, ऐसा और दूसरे धर्म में नहीं है ना। दूसरे जितने मजा हैं उनके यहाँ एक ही रीति है, चाहे मौलवी हो चाहे फकीर, उसको नमीज नमाज पढ़ना चाहिए। नारायण और यहाँ यदि निर्वेदवान है वैराग्यवान है तो वैराग्य रागो वाधिव्याम संज्ञातो भय सामनातो भय लक्षणान। वैराग्यवान के लिए अलग धर्म है, रागवान के लिए अलग धर्म है। रागवान होगा यज्ञोपवीतादि संस्कार से संस्कृत होगा, वेद का अध्ययन करेगा, गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा और फिर सन्यासी हो जाएगा। जागृत स्थान की प्रधानता से ब्रह्मचारी और स्वप्न स्थान की प्रधानता से गृहस्थ और सुषुप्त स्थान की प्रधानता से वानप्रस्थ और
तुरी तुरी स्थान की प्रधानता से समझा सकते। ये जान पूज करके तत्व के अनुरूप महर्षियों ने महात्माओं ने वेदांत की भाषा में अध्यारोप किया है और वेद की भाषा में ये पूर्व पूर्व परंपरा से अनादि परंपरा से जो धर्म व्यवस्था चली आई है उसका दर्शन किया है। ये अनादिकाल से ऐसी परंपरा चली आई है। अब देखो ब्रह्मचारी क्या नाम है सूत्र जागृत स्थान है, वैश्य स्वप्न स्थान है, नारायण और क्षत्रिय जो है वो सुषुप्त स्थान है, संहार संहार स्थान और तुरीय जो है ब्राह्मण अद्वितीय। तो वर्ण और आश्रम का जो निर्माण हुआ वो तत्व की दृष्टि से हुआ और अविद्या अध्यारोपित जो माया शक्ति है परमेश्वर की उसी से वही गुणमयी है और परमेश्वर उन्हीं से इन चारों की सृष्टि करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागता। तो ये चार वर्ण और चार आश्रम की जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म के अतिरिक्त और किसी भी धर्म में नहीं है। अधिकार के अनुसार उपासना और नारायण योग्यता के अनुरूप कोई कोई गोरे के उपासक होंगे, कोई सांवरे के उपासक होंगे, कोई महाराज नटखट के उपासक होंगे, कोई एक तो उत्तज तांडव स्वयं कर रहे हैं, मही पादा घाता प्रगति सहता संशय पदम, एक तो वो है और एक है ठुमक ठुमक रुंझुन रुंझुन पैंजनिया बजाते हुए चलते हैं, एक है धर्म प्रधान मर्यादा प्रधान समन्वय प्रधान धर्म सेतु भगवान श्री रामचंद्र, तो एक है प्रेम प्रधान भगवान श्री कृष्णचंद्र, एक है तत्व ज्ञान प्रधान कपिल दत्तात्रेय नारायण, ये भगवान के रूप है। जिसको जो चाहिए जो जैसा है और जिसको जो चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार उसको सब कुछ देने की का सामर्थ्य युक्ति हिंदू धर्म में है। तीर्थ है काशी को ले लो, काशी महाराज 84 कोस की काशी है, वो जागृत स्थान है वैश्वानर है और 25 कोस की वाराणसी है, वो स्वप्न स्थान है और 3 कोस की अंतर्वेदी है वो सुषुप्त स्थान है और चारों तरफ 100 धनुष माने 400 धनुष 800 हो गया 800 400 धनुष चारों तरफ, ये अभिमुक्त क्षेत्र है वो सूर्य है। तो हमारे तीर्थ भी तुरीय और प्राज्ञेश्वर और तेजस हिरण्यगर्भ और विश्व वैश्वानर इनकी दृष्टि से वर्ण व्यवस्था भी है तत्व ज्ञान के लिए, आश्रम व्यवस्था भी है तत्व ज्ञान के लिए, आ माने मर्यादित है ना, आ शब्द का अर्थ मर्यादा होता है। एतमासन्यतम विद्या ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधिधौ त्यज एतमासन्यतम विद्या वाक्य स्मरणयोर अन्यत्। तो आ शब्द का अर्थ है मर्यादा, जहाँ श्रम की भी किसी आश्रम में नहीं, श्रम की मर्यादा है ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम नहीं करेगा और वानप्रस्थ भी गृहस्थ आश्रम नहीं करेगा, गृहस्थ पत्नी के साथ रहेगा सहवास करेगा पुत्रोत्पादन करेगा, वेद में बताई हुई पुत्रेष्टि जाग जो है उसको करना चाहिए, अपुत्र से गतर नास्ति इसके लिए अर्थवाद के रूप में पुत्रेष्टि जाग का अर्थवाद है अपुत्र से गतर नास्ति और वानप्रस्थ द्वैत है, गृहस्थ जो है ब्रह्मचारी जो है वो गुरु से सेवा करके विद्या की प्राप्ति करता है आचार्य की शिक्षा प्राप्त करता है और गृहस्थ आचरण करता है
और अपनी वासनाओं को संयत करता है, वानप्रस्थ भोग की सामग्री रहने पर भी अपने संयम को पक्का करता है, और सन्यासी बिल्कुल त्यागी साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है। तो ये जो हिंदू धर्म है ये तात्विक है, ये दार्शनिक है, और ये सर्व प्रकार के मनुष्यों का, मनुष्य मात्र का इसमें सन्निवेश हो जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण ग्रंथों में, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में हमारी तो तुरीय तित्तिरीय तित्तिरीय मंत्र संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय अरण्य, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय वार्षिक, ये ब्रह्मज्ञान पर्यंत, ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर के ब्रह्मज्ञान पर्यंत, संन्यास पर्यंत का बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। हमारे सर्वस्व तो तैत्तिरीय हैं, पद्य पाठ है ऋग्वेद, गद्य पाठ है यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद मिश्रित पाठ है इसलिए उसको कृष्ण बोलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कार्ण शाखा और माध्यंदिनी शाखा, शंकराचार्य की कार्ण शाखा है, उस पर उन्होंने व्याख्यान किया है। शायणाचार्य ने भी बहुत करके कार्ण शाखा का ही व्याख्यान किया है, और तैत्तिरीय शाखा जो है वो अद्भुत है। ये तो सारस्वत सारस्वत अभिव्यक्ति है तैत्तिरीय शाखा से। तो ये हुई वेद की बात। तो वेद भी चार है, वो भी विश्व तैजस प्राज्ञ सूर्य के हिसाब से है नारायण, और एक एक वेद के उपवेद भी चार चार है, वो भी ये चार चार का हिसाब ही है। ये जो हमारा तत्व चतुष्टय है इसी से वैष्णव में भी चार ही मानते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उनके यहाँ भी ये चार ही विभाग हैं। वेद में वर्णन के प्राधान्य, अर्थ के प्राधान्य से क्रम है, मंत्र के पाठ के क्रम से प्राधान्य नहीं है, अर्थक क्रम से प्राधान्य है। अब ऋग्वेद में ही जहाँ एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, नारायण एको अग्निर बहुधा समिध्यते, ये जो अद्वैत का वर्णन है मूल संहिता में ही, वहाँ तुरीय तत्व का वर्णन है, इदम विष्णुर विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम, तीन पद है वो समूढ़ पान सुरे, चतुर्थ स्वयं वो है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवी व चक्षुरा ततम, नारायण। तो ये चार चार का जो विभाग है, अब देखो एक और विशेषता आपको सुनाते हैं। ये जो अपने यहाँ सती धर्म है, एक पुरुष के प्रति एक पत्नी का संबंध, यदि प्रकृति विकीर्ण हो जाएगी तो पुरुष का चिंतन न कर सके, पुरुषाकार नहीं होगी, निरोध दशा को कभी प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति में वृत्तियां होती हैं बहुत महत्त्वादी, गुणों के अनुसार साम्यावस्था वैषम्यावस्था, तो यदि वो पुरुष की सन्निधि में एक होकर माने निरोधाकार होकर के यदि पुरुष की सन्निधि में नहीं जाएंगे तो पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होगा। इसलिए पुरुष को अपने स्वरूप में अवस्थित करने के लिए प्रकृति जो है ये निरोध दशा है, और यही सती धर्म का रहस्य है कि सती जो है वो अपनी वृत्तियों को संकीर्ण कर दी है किसी धर्म में। ये सती धर्म जो है ये हिंदू धर्म के सिवाय और किसी धर्म में नहीं है। अभी महाराज साइंस की इतनी उन्नति हो गई पर किसी भी साइंस से दूध नहीं बना। ये जो गाय के शरीर में घास जाती है और खाती है घास और देती है दूध घी मक्खन रबड़ी मलाई वो बासमती वो अधोटा, ये महाराज किसी विज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसको ऐसी मशीन बना दे कि उसमें हम घास डालते जाएं और दूध निकलता जाए। ये गाय की जो पूजा है, सबकी पालन पोषण करने वाली गावो विश्वस्य मातरा,
ये गौएं जो हैं ये विश्व की माता है। च्यवन ऋषि पकड़े गए थे जाल में, कहां वो कान्हा के पास जो नदी बहती है उस नदी में पानी में तपस्या कर रहे थे, जाल में पकड़े गए। ये कथा सायणाचार्य ने पुरुषार्थ चिंतामणि में उद्धृत की। पुरुषार्थ निधि, पुरुषार्थ निधि नारायण पकड़े गए। राजा का नियम था कि जो चीज बाजार में न बिके उसको हम खरीदेंगे। अब जाल वाले ले आए बाजार में च्यवन ऋषि को, कौन खरीदे बुढ़े बाबा को बड़ी बड़ी दाढ़ी। राजा आया, बोले महाराज आपका मूल्य क्या चुकावे। बोले बाबा हमको तो अपना मूल्य मालूम नहीं है, तुम जो चाहो उसको दे दो। अब निर्णय होने लगा महाराज, राजा ने अपना सारा राज्य दांव पर लगा दिया कि हम च्यवन ऋषि को खरीदेंगे और अपना समग्र राज्य दे देंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, एक ब्राह्मण का मूल्य संपूर्ण विश्व सृष्टि नहीं हो सकती है। तो अंत में बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए और ये निर्णय हुआ कि च्यवन ऋषि के बदले में इन मछुओं को, मछली मारने वालों को एक गाय दे दो तो इनका मूल्य हो जाएगा। संपूर्ण विश्व सृष्टि की कीमत पर जो चीज नहीं मिल सकती उसका उसकी कीमत एक गाय। गवाह मंगे सुनते वो बना नहीं चतुर्दश, एक गाय का पूजा, गाय की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, सात बात यदि अपने जीवन में ना हो तो मनुष्य हिंदू धर्म से च्युत हो जाएगा। एक तो वेद की मान्यता, जदा वेदे देवता की मान्यता ना हो तो हिंदू नहीं है, बोला जदा वेदेशु देवेश गोशु गाय विप्रेशु ब्राह्मण में साधुसु साधु में धर्म में और भगवान में, ये सात बातों में श्रद्धा होना आवश्यक है। और श्रद्धा ना हो तो सभा आसु विनश्यति, वो विनाश के मार्ग पर चल जाएगा। तो ये हिंदू धर्म किसी आचार्य के द्वारा, एक आदमी के द्वारा किसी समय पर चलाया हुआ नहीं। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण। और जो इस सृष्टि के मूल में अभिन्न निमित्तोपादान तत्व है उसी में उपादान चेतन की प्रधानता से पराविद्या है और नारायण निमित्त चेतन की प्रधानता से अपराविद्या है और उसमें कर्म और कर्म फल। देखो बौद्ध और जैन कर्म फल मानते हैं और स्वर्ग नरक मानते हैं, परंतु वेद और ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये जैन बौद्ध की स्थिति है। नारायण और मुसलमान जो हैं वो भारतीय नहीं है, वेद भी नहीं मानते हैं। और सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वोदात्मदान के रूप में ईश्वर को नहीं मानते हैं, कोई धर्म नहीं मानता। ये हिंदू धर्म की अपूर्वता है। ज्ञान की स्वयं प्रकाशता, माया के कारण उसकी अनेक रूपता, उसमें जीव अविद्या से जीव और अविद्या अध्यारोपित प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि। और चूंकि सब परमात्मा है इसलिए सर्वत्र परमात्मा की उपासना साकार और निराकार। और उस परमात्मा की के ज्ञान के लिए जो उपयोगी सामग्री है, चातुर्वर्ण चातुराश्रम्य नारायण और ये तीर्थ और ये पशुओं में भी चातुर्वर्ण है परंतु उनके लिए धर्म का विधान नहीं है। पक्षियों में भी ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन है, पक्षियों में भी चातुर्वर्ण्य है, नारायण वृक्षों में भी चातुर्वर्ण्य है, यहाँ तक कि मृतिका भी चार वर्ण की होती है, जल भी चार वर्ण का होता है, अग्नि भी चार वर्ण का होता है, वायु भी चार वर्ण का होता है, आकाश जो है उसमें वर्ण भेद नहीं है। इसी से ज्यादा करके श्री भामती का वाचस्पति मित्र है,
घटाकाश मठाकाश के दृष्टांत से परमात्मा को ज्यादा समझाया है, परंतु उन्होंने भी कभी कई भामती में ये नहीं लिखा है कि मैं अवच्छेदवादी हूँ। पूरी भामती में कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं आता नारायण। और जहाँ मूल ब्रह्म सूत्र में आभास च उपमा च सूर्य का दिवस इस सूत्र पर जैसा शंकर भाष्य है वैसी ही भामती है, वैसी ही रत्न प्रभा है, वैसे ही न्याय निर्णय है नारायण। जितने भाग वैसे ही पंचपादिका है, पंचपादिका तो है नहीं, विवरण कार ने उद्धृत किया है नारायण। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव और एक उपाधिना अन्वगच्छत, एक स्वान जैसे सूर्य आदि में बिंब प्रतिबिंब आदि के भाव से, और नारायण कण कण परमात्मा है, क्षण क्षण परमात्मा है। काल में परमात्मा की आराधना करनी हो तो अष्टमी एकादशी नवमी आदि की आराधना करो, अमावस्या पूर्णिमा की आराधना करो, व्रत ले लो। देश में आराधना करना हो तो मथुरा है, ब्रजभूमि है, अयोध्या जी है, नैमिषारण्य है, कावेरी क्षेत्र है, देश में भगवान है। वस्तु में भगवान की आराधना करनी हो तो शालग्राम है, शिवलिंग है। आकार में भगवान की आराधना करनी हो तो शिवाकार है, रामाकार है। तो धर्म जो है वो किसी एक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ और एक तरह के लोगों वाला, एक मंत्र वाला, एक इष्ट वाला नहीं है। जितने जीव हैं और उनका जित जैसा अधिकार है उनके भेद से अनुशासन की प्रधानता से चोदना लक्षण और तो धर्मा कि वे अनुशासन के अनुसार चले। अनुशासन को धर्म माना हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म का दृष्टिकोण एक तो सार्वभौम है, वो केवल हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, सार्वभौम है, सार्वदेशिक है और सार्वकालिक है, सनातन है भला, और सर्वविध अधिकारियों के लिए है। ये लोग जो अपने अपने पंथ को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं वो तो संकीर्णता है। भगत होकर ज्ञानी को लाठी मार रहा है और ज्ञानी होकर भगत को लाठी मार रहा है और भगत होकर के एक आचार्य का अनुयायी हुआ। राजो कृपन्नामृत में एक अध्याय है श्री रामानुज संप्रदाय के, उसके कारण निम्बार्क वालों से ऐसी लड़ाई हुई, नाक कटव्वल हो गई, बोला नाक कटव्वल हो गई। ये बल्लभ संप्रदाय में मुकुट जो है वो दाहिने रहता है और निम्बार्क संप्रदाय में बाएं रहता है, इसके कारण लड़ाई हुई, मुकदमा चला। ये जो संकीर्ण दृष्टिकोण है नारायण, ये वैदिक धर्म के अनुसार नहीं है। वेद धर्म का मूल तत्व है अद्वैत नारायण, और उसका प्रतिपादक है पराविद्या के रूप में वेद, और उसका साधक है अपराविद्या के रूप में वेद। इस तरह साधन और साध्य दोनों रूप में उसकी महिमा होती है। तो हिंदू धर्म कोई साधारण किसी आदमी का चलाया हुआ, किसी समय से चला हुआ, किसी खास आदमी के लिए खास तरह का मंत्र, खास तरह का इष्ट, इस प्रकार की संकीर्णता हिंदू धर्म में नहीं है। ये समग्र जीवों का कल्याण करने के लिए, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए और प्रपंच को परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न करने के लिए, अभिन्न दिखाने के लिए ये हिंदू धर्म है। इसकी महिमा और कहीं किसी के साथ जोड़ी नहीं जा सकती। ओम शांति।